सुनते सुनते आप लोग तो तंग हो गए होंगे अभी तक। ना 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 ना, मैं तो कोई भाषण करने वाला नहीं हूँ। आज 26 जनवरी है, आप लोग लगातार बैठे हैं, तो वो आज की जो गाना है राष्ट्र संगीत वो गाएंगे। चारों तरफ अंधेरा है, अब तो सबके हाथ में मशाल है ना, टॉर्च। हाँ जी, आज वो अंधेरे को हम रोशन करेंगे अपने हाथों की मशालों से, और ये जरूर अर्ज करेंगे कि इकबालपुर पाक सर्कस आए, पाक सर्कस इकबालपुर जाए। जहां जहां देश में प्रतिकार की सभा हो रही है, अब इसको प्रतिवाद बोलना बंद कर दीजिए। हम देश को सुधार रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, सारे प्रतिकार सभा एक दूसरे के साथ करेंगे। मैं अभी अभी दिल्ली से आया, आज दिल्ली ने देखा जनपथ में 26 जनवरी की जो मार्च परेड होती है वो बहुत ही शानदार था, लोगों ने उसको देखा। लेकिन शाहीन बाग में लाखों लोगों के माताओं की बहनों की सभा मार्च, झंडा उन्होंने जो खोला, ये सारा देश भी आज देखा। एक और बात, ये कानून का पचड़ा जो है, मैं वकील हूँ, मैं घंटों खड़े होकर आपको समझा सकता हूँ, लेकिन आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले 24 घंटा सब काम बंद करके ये कानून को गौर से पढ़ के समझने की कोशिश किया कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, वो सही तो नहीं बोल रहे हैं। और स्पष्ट है जो फॉर्म, जो दस्तावेज में ये पूछा जाए कि आपके वालिद का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, आपके अम्मी का जन्म कहाँ हुआ था बताइए, वो कागज सही नहीं हो सकता है। उस कागज के आधार पर कोई भी आप रजिस्टर नागरिकों का बनाना चाहते हैं, इसका मतलब आप बहुत बड़े तबके को कोई ना कोई तकलीफ में डालने वाले हैं। और साहब, बुरा ना मानिए मोदी जी, इस देश का आपके ऊपर भरोसा थोड़ा कम है। आपने कहा था नोटबंदी के समय कि 50 दिन में सब ठीक नहीं हो जाएगा तो चौराहे पे मैं आगे नहीं बोलना चाहता। ये देश आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है कि कागज के काम में आप फिर कहाँ उलझा देंगे, अपने पैसा उठाने के लिए बैंक के बाहर खड़े करके दो लोगों का मौत हो जाएगी। आप पर भरोसा नहीं है, माफ कीजिएगा। आपको यदि NPR, NRC, CAA लाना है तो उसकी अधिनियम रूल्स ले आइए, पहले हमें दिखाइए, हमें समझाइए, और हम सेटिस्फाइड होते हैं तो हम सब करेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं, हम प्रधानमंत्री को मानते हैं, लेकिन उनकी झूठी आश्वासन को नहीं मानते। तो एक बार सब अपने मशाल निकाल लीजिए। वैसे तो आप लोगों ने ही रास्ता दिखाया, ये सभी ये बोलते हैं कि महिलाओं का सुनो, इतने सालों बाद हम पुरुषों का होश ठिकाने में आया है कि महिलाओं की बात सुनो। देखिए, मैं तो गाना नहीं गा पाता हूँ, लेकिन मशाल आज मशाल जलाए, ये अंधेरा भगाए, ये बाप को साफ करे और देश को ठीक करे। आज आज गणतंत्र दिवस पर हम सब ने दिन भर ये स्वागत खाए होंगे, फिर और एक बार खाते हैं कि ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है, ये मिट्टी हमारा है, और इसका रक्षा हम करेंगे। भाई उमर
खलीज जैसे मैं भाषण तो दे नहीं सकता, अब तक तो आप लोग नष्ट होते उनकी बात सुनकर। लेकिन कल रात को उमर भाई से बात हो रहा था और उन्होंने कहा कि अभी का कलकत्ता फिर कब, पाक सर्कस फिर कब, कहता जल्दी ही होगा। 22 जनवरी को मैं सुप्रीम कोर्ट में था, वहां तो जो खेल हुआ आप लोगों को मालूम है। लेकिन आप ये पूछ रहे होंगे कि और कितना दिन हमें बैठना पड़ेगा। जी हाँ, इसका सरल जवाब है, और 4 हफ्ते मतलब 1 महीना कम से कम बैठना पड़ेगा। हम तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट और इस देश का सारे सत्ताधारी लोग ये समझे कि ये प्रतिकार सभा तब तक भंग नहीं होगी जब तक प्रतिकार नहीं होगा, जब तक सही नहीं होगा। अब हम खड़े हो जाएं राष्ट्रगीत के लिए। भारत के बाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, जाविद उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा, कब शुभ नामे जागे, कब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मन गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 जय। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्कस की महिलाएं जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कामिया की लड़कियों को इनकलाब जिंदाबाद, हमारा तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरिजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई हमको एक ही स्लोगन जानते हैं, हम किसान राजनीति करते हैं। सबसे बड़ा तो जो हम अक्सर कहते रहते हैं और सत्ता को सुनाते और हिलाते हैं, याद रखिए इस देश के किसान तमाम किसान इकट्ठा करके मोदी जी का तीन बार हराए हैं। ये मीडिया नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही। 2014 में पावर में आने के 6 महीने के अंदर वो किसान की जमीन हड़पने के लिए 3-3 बार कप कानून बनाए थे, और हम देश भर में यात्रा करके लाखों किसान उस कानून को उनको वापस लेने में मजबूर किए थे। बिहार मोदी जी को अभी भी हम लोग नहीं हुआ है, गरीबों का जमीन हड़पने का जो उनका मंशा है वो हम अभी भी उनको कामयाब होने नहीं दिए हैं। आप लोगों को याद होगा दिसंबर 2018 में 3-3 राज्यों में भाजपा का सरकार जो 15-15 सालों से लड़ाई कर रही थी वो मर के मिट गया, और वो किसानों ने किया। राजस्थान के किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने, छत्तीसगढ़ के किसानों ने, और अब जाके झारखंड के आदिवासी किसान जिसके उनको फिर एक बार दरवाजा दिखा दिया। मोदी जी को हारना पसंद नहीं है, लेकिन जब वो जनता के साथ जंग छेड़ते हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि जनशक्ति क्या होता है। वो चाणक्य नीति से नहीं चलेगा, वो हमारे छाती के अंदर जो आग है उससे चलेगा देश। मैं
पहने बैठी है इस देश को ठीक करने के लिए। आप उनसे चाहे एग्री करो ना करो कोई बात नहीं, अरे कम से कम जाके देख के तो आओ क्या हो रहा है। इस देश के महिला मातंगिनी हजरा का नाम आप लेते हैं, यहाँ हजारों मातंगिनी हजरा बैठी है। अब देखते नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।